नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा सेक्शन विषय है वह है पाठ्यक्रम के परे भाषा को लेकर। पाठ्यक्रम के परे भाषा के अंतर्गत आज हम जिस इकाई का अध्ययन करने जा रहे हैं वह इकाई है तृतीय, जो कि कक्षा कक्ष और भाषा को लेकर है। कक्षा कक्ष और भाषा के अंतर्गत हम जिस प्रकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं वह प्रकरण है सार्थक वातावरण निर्माण के प्रयास। हम कक्षा कक्ष में सार्थक वातावरण के निर्माण को लेकर हम किस प्रकार के प्रयासों को हम कक्षा अंतर्गत कर सकते हैं, तो ऐसे प्रयासों को लेकर हम अपनी कक्षा में एक प्रजातांत्रिक वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। साथ में बालकों के अधिगम स्तर को NCF 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत हम इनकी अनुपालना करते हुए बालक के शिक्षा के आधार पर उनमें सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसको हम सहज सरल एवं अधिकम के योग्य पूर्णतया बना सकते हैं। तो इसके पूर्व के वीडियो व्याख्यान में साथियों हमने इस निर्माण के प्रयासों को लेकर अध्ययन किया है। तो साथियों, शेष रहे बिंदुओं पर हम प्रकरण के माध्यम से चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अपने प्रकरण की ओर। तो साथियों, हमने दो प्रकरण के बारे में हमने पूर्व की वीडियो व्याख्यान में अध्ययन किया, तीसरे प्रकरण के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और जो तीसरा बिंदु प्रकरण का जो है वह है सरल शब्दों का प्रयोग। साथियों, सरल शब्दों के प्रयोग करके हम बालकों में सीखने सिखाने के अवसर किस प्रकार से उपलब्ध कर सकते हैं। तो लिखा हुआ साथियों यहाँ पर कि शिक्षक द्वारा बालकों के समक्ष सरल एवं प्रभावी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि बालक सरलता से शब्दों को सीख सके। जैसे पानी के लिए जल शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जो कि साहित्य और साहित्यिक और भाषाई दृष्टि से उचित एवं छात्रों के लिए उच्चारण की दृष्टि से सरल भी है। बिल्कुल सही है साथियों कि यदि हम कक्षा में सार्थक वातावरण निर्माण के प्रयास को लेकर चल रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कक्षा में सरल शब्दावली का प्रयोग करेंगे। लेकिन शब्द सरल होने के नाते शब्द ऐसे नहीं हो कि बालकों के मन में प्रभाव को उत्पन्न न कर सके। भाषा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वो आकर्षण और प्रभाव उत्पन्न करना होना चाहिए, क्योंकि शब्दों में प्रभाव नहीं होगा तो भाषा अपना आकर्षण कभी दिखा नहीं पाएगी। तो साथियों, हम पानी से बालक से भी जानते हैं जो अपनी मातृभाषा में सीख कराते हैं, अपने आस पड़ोस घर परिवार परिवेश सीख जाते हैं। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हम इस बात को भलीभांति जानते हैं कि पानी के स्थान पर यदि हम जल शब्द का प्रयोग करते हैं तो साहित्यिक दृष्टि से एकदम साहित्यिक दृष्टि से उचित है। साथ में बालक के मन में एक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। वो प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ बालक को इस शब्दों को आकर्षित करता है और इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करके हम अपनी भाषा को एक प्रभावी शुद्ध साहित्यिक एवं बालकों में सार्थक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। अगला बिंदु है नंबर 4, शब्दों की भावना ज्ञान। शब्दों की भावना ज्ञान बालकों में किस प्रकार से करा सकते हैं। भाषाई विकास के अंतर्गत सार्थक वातावरण निर्माण करते समय
शिक्षक को यह ध्यान भी रखना चाहिए कि छात्रों को सबों के साथ उनके भाव का भी ज्ञान हो सके और इसके लिए यह आवश्यक है कि जब हम बालकों के समक्ष किसी शब्द का प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके साथ उस वस्तु विशेष इसका हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं उस वस्तु विशेष का चित्र अवश्य दिखाएं ताकि इस शब्द का माध्यम से इस चर्चा के बिंदु के जो तात्पर्य में लिखा गया है कि हम बालकों को एक तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि हम सार्थक वातावरण का निर्माण करा रहे हैं हम भाषा का ज्ञान करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए कि हम किसी भाषा का ज्ञान करा रहे हैं तो हमें यह शब्द का प्रयोग करते समय बालकों की समझ वो बालक जब हमारे समाज शब्दों को सुनता है समझता है पढ़ रहा है तो उस बालकों की समझ हमारे शब्दों का जो प्रयोग है इस्तेमाल है हम इस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि उनके मन में एक संदर्भ जुड़ जाए और उस शब्द विशेष के साथ में अपने संदर्भों के साथ अपने शब्द के साथ अपने भाव को भी जोड़े अपने आस पड़ोस के वातावरण में वो वस्तु है वो व्यक्ति है वस्तु है शब्द है वो हमारे किस प्रकार से ये उपयोगी है या हमारे को क्या काम आता है या उससे हमारे व्यक्ति की आवश्यकताएँ या हमारा उस वस्तु से किस प्रकार संबंध स्थापित है उस संदर्भ को जोड़ पाएगा तो कहीं ना कहीं बालक उस शब्द विशेष के साथ में उस चीज़ को बिठाया जाए तो वो उसे संदर्भ जोड़ते हुए उसे सीख लेगा तो साथियों जैसे कि हम कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो चित्र उसको बिठाएंगे जैसे मान लो कि गाय के बारे में कुछ चार पंक्तियाँ लिखवा रहे हैं निबंध लिखवा रहे हैं या गाय के बारे में कुछ पाठ पढ़ा रहे हैं तो गाय का चित्र जरूर दिखाए जिससे कि वो अपने संदर्भ से जोड़ पाए गाय किस प्रकार का प्राणी होता है उसके पूरे मन मस्तिष्क में एक मानस स्तर पर उसका चित्र अंकित हो जाएगा एक रेखा चित्र अंकित हो जाएगा जैसे हम बकरी के बारे में अध्ययन करा रहे हैं तो बकरी का चित्र दिखाए हम किसी परिवेश किसी शेर खेत है या पालतू पशु हैं या फिर हम किसी प्राकृतिक दृश्य के बारे में बता रहे हैं तो उसे उसका चित्र अवश्य दिखाएंगे तभी साथियों बालक की उस शब्द विशेष के साथ संदर्भ को जोड़ते हुए उस शब्द की साथ में भाव को भी ग्रहण करेगा और भाषाई ज्ञान को भी सही और उचित तरीके से प्राप्त कर सकेगा तो साथियों आज की इस संदर्भ व्याख्यान में इतना ही हम फिर मिलेंगे अगले व्याख्यान में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत।